देखिए दोस्तों, आज हम लोग चौथा दिन हो गया, ना है हुआ नहीं है, और अभी हम नहाने के लिए आए हैं। दोस्तों आप कहीं कमेंट भी आता था कि आप लोग दाल नहीं खाते हैं, दाल नहीं बनाते हैं, तो देखिए हमारा गाड़ी में जब बनता है तो दाल ऐसे ही बनता है। और दोस्तों ये लिए देखिए मसाला पीसने के लिए, ये हम लोग का बड़ा गोडाउन, इसी में सारा सामान रहता है हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अभी हम लोग गुमला पंप पर आ गए हैं, और रात में देखे थे हम लोग, आप लोग देखे थे पिछला ब्लॉग में, हम लोग रांची में खाना वाना बनाए थे, फिर वहाँ चले थे तो आगे रुक गए थे नगरी में आकर के, तो अच्छा जगह था वहाँ पर, फिर रात में आए नहीं। और अच्छा हुआ नहीं आए, क्योंकि बेड़ों की इधर एक जगह रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब डायवर्सन बना दिया है तो गाड़ी वहाँ फंस रहा है, तो अच्छा हुआ रात में नहीं आए तो गाड़ी फंसने का डर था। एक दो गाड़ी देखे फंसा हुआ था, बारिश हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, अब जाते हैं यहाँ पर नहाना धोना फ्रेश होते हैं, अपना खाना पीना बना उना कर फिर यहाँ से निकल जाएंगे यहाँ से, क्यों आज हम लोग थोड़ा सफ़र भी काटना है। और उस रोड पर कभी गए नहीं है जो अपना बगीचा वाला रोड है, वो बगीचा रोड से कभी हम गए नहीं आज तक, इतना सारा ड्राइवरी हो गया, कभी जरूरत नहीं पड़ा। अंबिकापुर गए नहीं थे उधर से, अंबिकापुर तो गए लेकिन दूसरे रोड से गए हैं, अब बगीचा होकर नहीं गए, तो पहली बार जाना भी है, रास्ता भी देखना है कैसा है क्या है। तो ठीक है दोस्तों, जाते भी नहाते धोते हैं फ्रेश होते हैं। देखिए दोस्तों अभी तो नहा के मेरा उस्ताद गया है, और अभी हम नहाने के लिए आए हैं, तो अभी नहाने के लिए आए हैं तो कहा नहा धोवा कर हम भी जाते हैं। मेरा उस्ताद भुजिया बना रहा, हम दाल भात बना दिए। देखिए दोस्तों आज हम लोग चौथा दिन हो गया, ना है हुआ नहीं है, तब जा रहे नहाने के लिए। तो अभी हम नहा के आ गए हैं, और नहा के आने के बाद हमारा काम है देखिए करेला भुजिया बनाने का। तो रोहित जो है सब काट उट के गया था, और जब तक हम नहा रहे थे तब तक रोहित जो है दाल बना लिया और चावल बना लिया, और उसके बाद वो रोहित गया नहाने के लिए, तो हम अभी आ गए हैं अपने जगह पर आ गए, तो हम बना रहे करेला भुजिया। और करेला जो है आ रहे थे तो रास्ते में शीशे ही पड़ता है, तो रोड साइड में सब्जी दुकान लगता है वहाँ पर, तो वहीं पर कई बार लिए हैं और वहीं पर मिल जाता ताज़ा सब्ज़ी, तो वहीं पर लेके अपना रख लेते हैं, बनाते भी अपना। तो दोस्तों यही है कि हमें करेला ताज़ा दिखाई दिया तो लिए, और आज हमारा बहुत शौकीन खाना बन रहा, दाल भात भुजिया ही बनता था, दाल भात चोखा बनता था, लेकिन आज करेला भुजिया बन रहा है, और करेला अच्छा लगा देखने में इसे ले लिए। तो जब तक हम नहा रहे थे तब तक रोहित जो है चावल बना लिया और दाल बना लिया और करेला काट दिया था, तो इसी टाइप का हम लोग काम जो है मिलजुल कर करना पड़ता है हम लोगों। अभी जैसे रोहित नहाने चला गया तो हम करेला बना रहे हैं, तो इसी टाइप का मिल बाँट के, रास्ता में कोई काम हुआ तो उसी टाइप मिल बाँट के करते हैं, पारापारी, मतलब कोई नहा रहा है तो कोई खाना बना रहा है तो कोई गाड़ी धो रहा है, इस टाइप को सब मिला जुला करते हैं। तो ठीक है दोस्तों अभी रोहित नहा रहा है, तब तक हम करेला बना ले रहे हैं। देखिए दोस्तों दोपहर का 1 बज चुका है अभी हम लोग का, अभी हम लोग खाना बना लिए हैं, दाल भात चोखा, ये दाल भात भुजिया चोखा बोल रहा है, दाल भात करेला भुजिया बना है, तो ये देख सकते हैं गाढ़ा दाल है एकदम का, एकदम गाढ़ा दाल का है, काहे आपको बर्बाद किया, गाढ़ा दाल रोटी के साथ खाने वाला दाल है कि। तो अभी देख सकते हैं हम दाल डाल रहे हैं गाढ़ा, मेरा उस्तादे बोला था बनाने के लिए, होटल वालों के लिए रोटी के साथ खाने वाला दाल था, तो मेरा उस्तादे बोला था बनाने के लिए, नहीं था ये, तो हम बना दिए, हमको जैसे बोला भाई हम उसे बनाएंगे, हम जबरदस्ती नहीं करते किसी से, आज तक जबरदस्ती हमसे कभी देखे हैं करने में। दोस्तों आप कहीं कमेंट भी आता था कि आप लोग दाल नहीं खाते हैं, दाल नहीं बनाते हैं, तो देखिए हमारा गाड़ी में जब बनता है दाल ऐसे ही बनता है, ये दाल है कि सब्जी है, एकदम दाल तो पता नहीं चलता है, सब्जी के माफी जैसे होटल में बनता है रोटी के साथ में देता है उस टाइप का गाढ़ा, उन्हें बहुत कम बनता दाल लेकिन बनता तो इसी टाइप का बनता है। तो ठीक है दोस्तों आज हमारा करेला भुजिया जानबे करते हैं, शरीर के लिए भी ठीक होता है करेला भुजिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सादा खाना बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम दाल भात आलू का चोखा भुजिया चटनी ये सब अच्छा लगता है। ये देखिए ये भी अपना लिया हुआ अचार भी है, घर से अचार भी आया था वो भी लिए हुए हैं, आम के अचार, वो बोले फ्री में जो मिला हुए दिखा दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं अगले बार भी दिखाए थे आप लोगों को जो अनलोड करने गए थे अचार तो मिला था, देखिए इस बार भी मिला है अचार, इस बार भी हम लोग को मिला है अचार, तो बहुत ही अच्छा फैक्ट्री मिला। पहले बता चुके हैं हम कि पहले एक समय था जो अंडा लोड करने जाते थे तो हम लोग को अंडा मिलता था, चावल लोड करने जाते थे फ्री में 5 किलो 6 किलो चावल ले जाओ, संतरा लोड करते थे, संतरा हम लोग कितना लोग खिलाते थे, गाड़ी में भरा हुआ रहता संतरा, लेकिन अब वो सब नहीं होता है, लेकिन अभी भी इन कंपनी में बहुत अच्छा लगा, इसलिए 2 ट्रिप हुआ, 2 ट्रिप में 2 बार में अचार मिला हम लोग को।
खाना ना खा के 2 घंटा आराम कर लिए हम लोग, वहाँ से निकल भी गया है। तो अभी हम लोग गुमला पार कर रहे हैं, उसका बाईपास बना हुआ है तो उसी में पार कर रहे हैं अभी हम लोग। अब यहाँ से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ में पहुँच जाएंगे, छत्तीसगढ़ बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सिंगल रोड है, देखिए अगर अभी बना नहीं है 4 लाइन, अभी बन रहा है, काम चालू है, जितना जल्दी बन जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। इधर नहीं बना तो देखिए कितना अच्छा पेड़ पौधा सब दिख रहा है, और जहाँ 4 लाइन है वहाँ पेड़ उड़ सब कट गया है, कितना अच्छा हरा भरा लगता है ये सब जगह देखने में। और झारखंड का कितना बढ़िया हरा भरा जगह है, जंगल है, पहाड़ी है, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर देखिए, अभी छाया का रुकने का मन होगा तो यहाँ खड़ा कर सकते हैं, तो अभी छाया में भी गाड़ी खड़ा हो जाएगा, पेड़ रहेगा तो हर चीज़ मिलता है। या देखिए घर उर भी सब पेड़ में ही, हमको नहीं लगता कि पंखा भी होगा, मस्त ठंडा लगता होगा, ये लोग को भी पूरा हवा लगता होगा, यहाँ पूरा पेड़ के नीचे पूरा घर बना हुआ है और ठंडा ठंडा मौसम है इधर। ऐसे भी लोग कहते हैं कि झारखंड में मौसम ठंडा ही रहता है, झारखंड का सिर्फ एक टाटा ही जगह है जहाँ गर्म रहता है, नहीं तो बाकी ऑल झारखंड जो है ठंडा रहते ही रहता है, थोड़ा बहुत उतना गर्मी कभी नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है एकदम अच्छा, हमें बदरी में जो धूप खिलता है तो कितना अच्छा लगता है, उस टाइप का लग रहा है। दोस्तों अभी तो लोधाम बॉर्डर पार कर गए हैं, छत्तीसगढ़ में आ चुके हम लोग। जैसे पहले भी कई बार सामान लेने आते हैं राशन दुकान में, तो यहीं पर आए हैं लेने के लिए दुकान में सामान, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं घटा इस बार, क्योंकि पहले का सामान कुछ लिए थे तो खाना वगैरह उतना बना नहीं, तो वो सामान अभी है ही है गाड़ी में, तो ठीक है ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सामान लेते हैं, चलते हैं लेते हैं सामान। कितना पड़ेगा? 150। ये लाइफबॉय साबुन से ही हम नहाते हैं, जैसे गाड़ी वाला मिस्त्री लोग सब तो लाइफबॉय से ही नहाता है, क्योंकि शरीर में ज़्यादा कचरा रहता है, इसीलिए हम लोग का लिए यही लाइफबॉय ठीक है। देखते हैं पूरे ले लेते हैं, कहीं कहीं बड़ा बड़ा मिलता नहीं, छोटा मिलता है तो मेरा हाथ में जल्दी ख़त्म हो जाता है वो, तो 4 में 1 फ्री, इसी को लेते हैं, अभी रखा रहेगा, नहाना तो है ही है। थोड़ा बहुत सामान भी ले लेते हैं, ये काजू और ये सब भी तो है, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा अभी। और एक सोनपापड़ी लेना है ना, एक सोनपापड़ी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग सामान ले लिए लोधाम बॉर्डर में, हम लोग अभी टेंशन फ्री हो गया, उधर से आने में हम लोग का टेंशन ख़त्म है, तो हम लोग यहीं पर सामान ले लेते हैं, हम लोग का टेंशन फ्री हो जाता है, यही सामान वामान ले लिए हैं, अब सरियाना है। और दोस्तों ये लिए देखिए मसाला पीसने के लिए, अब यह हमारा मसाला इसमें अच्छे से पीस जाएगा, और कभी कभी पापा बनाते हैं ना तो उनको दोस्तों काजू का जरूरत पड़ता है, तो इनको इसको पीस के डालना पड़ता है, इसीलिए ये लिए हैं। अब आराम से इसको मतलब इसमें सिलोटे तो काजू पनीर बनेगा, मटर पनीर, काजू पनीर, मटर पनीर अब अच्छे से बन पाएगा ना। हाँ, अब बाकी सारा सामान रख दे रहे अच्छे से, अपना सीक्रेट जगह अपना बड़ा वाला गोडाउन। देखिए सामान अभी जा रहा है गोडाउन में, ये देखिए ये हम लोग का बड़ा गोडाउन है, इसी में सारा सामान रहता है हम लोग का, ये मग्गा इसमें रहेगा, अगरबत्ती को आगे रखना है, ये दोनों को उसको रखना है यार, अभी खाएंगे इसको। हाँ उसको खाना उसको खाना है, इसको घुसा देना है, इसको घुसा दिए, अब बचा क्या, ये चीज, तो ये चीज अंदर में रहेगा, ठीक है रखो इसमें, कभी भी जरूरत पड़ेगा यहाँ से निकाल लेना है, और चम्मच को बाहर में रखना है, और साबुन को और अगरबत्ती को घुसा देना है। दोस्तों अभी तो लोरो घाट आ गए हैं, तो लोरो घाट में क्या है कि रुकना ही पड़ता है, आगे घाटी है ना, तो डाउन ढुलते हैं तो ब्रेक शू ठंडा करने के लिए रोकना ही पड़ता है, तो इसलिए रोक लिए थे यहाँ पे, ब्रेक शू भी ठंडा हो रहा था, उस बीच में मेरा कुछ कपड़ा भी आयरन करा रहे थे, और कपड़ा मतलब यहाँ पर है, कभी समय मिलता तो करा लेते हैं, नहीं तो नहीं मिलता तो वैसे ही रहता है, तो यहाँ पर था तो कपड़ा भी आयरन हो जाएगा और टायर भी अपना ब्रेक शू जो ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ से निकलेंगे तो बगीचा जाना है, यहाँ से चलेटर आगे पड़ता है 8-10 किलोमीटर है, तो ये देखिए मेरा कपड़ा सब आ गया आयरन करके, तो अभी यहाँ से चलते हैं चिरैटाण, चिरैटाण से फिर दहना मारना होगा बगीचा, तो बगीचा तो कम से कम चलते हैं, उस रोड पे हम चले नहीं है कभी, तो नया रोड तो है, लेकिन गाड़ी वाला से पूछे तो बोला कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बगीचा पहुँच कर वहाँ पे ढाबा वगैरह पंप वगैरह है वहाँ पर रुक सकते हैं, फिर वहाँ से अपना सुबह चल जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, कपड़ा भी मेरा आ गया रन हो करके, अब हम यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों जो रोड के विषय में बता रहे थे हम, ये जो रास्ता जो गया हुआ है चिरैटाण से बगीचा के लिए, इस रोड पर पहले कभी हम चले नहीं थे, तो आज पहली बार मेरा है ये रास्ता, मतलब क्या है कि अनजान रास्ता में थोड़ा रात में दिक्कत होता है, टर्निंग है कि घाटी है, सिंगल पुलिया है, ये सब थोड़ा समझना पड़ जाता है, इसीलिए ज़्यादातर हम जो नया रास्ता रहता है दिन में ही सफ़र करते हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि हमको
सुबह सुबह पहुंचना है अंबिकापुर। पार्टी से हमारा बात हुआ, थोड़ा सा बाजार है, नॉन टिक एरिया है थोड़ा सा, तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सुबह सुबह गाड़ी लगा दीजिएगा। इसीलिए कि थोड़ा सा अभी हम गाड़ी चला रहे हैं कि कुछ सफ़र कट जाए, क्योंकि थोड़ा रास्ता तो ख़राब है यहाँ पे। अभी ये पुलिया है, इसको मिलाया नहीं अच्छी तरह से अभी। दोस्तों नया रोड में यही सब बताते हैं, जो लड़का लोग रहता है, खलासी लोग रहता है साथ में, उन लोग को बताना पड़ता है, तो यही सब लोगों को जानकारी मिलता है, कब चलना है, कैसे चलना है, कैसे पूछना है, पता करते उड़ते निकलना है। नया रोड पर क्या है ना कि बहुत चीज़ पूछना पड़ता है हम लोग को, गाड़ी वाला से पता करना है, ढाबा वाला से पता करना है कि रात में रोड चलता है नहीं चलता है, घाटी है क्या है, ये सब हम लोग को गाड़ी वाला से ज़्यादातर पता चलता है। ढाबा वाला तो खैर अपना एक जगह पर है, वो तो उतना क्लियर नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ बताता है कि नहीं गाड़ी तो चलता है, इतना बता देता है। जो सही बताता है वो गाड़ी वाला ही बताता है, क्योंकि गाड़ी वाला उस रोड से चला हुआ रहता है ना, इसीलिए हम लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका है और हम लोग आ गए हैं यहाँ से। अंबिकापुर ज़्यादा नहीं है, 20-25 किलोमीटर और है यहाँ से, तो बहुत अच्छा ढाबा मिला है, कलकत्ता ढाबा है, और रोड साइड में गाड़ी भी बहुत लगा हुआ है और गार्ड वगैरह भी यहाँ पर है, तो रात में ही खा पी के सोएंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर है तो निकल जाएंगे यहाँ सुबह उठ के। चले दोस्तों खाना खाते हैं ढाबा पर। दोस्तों लोरो घाट जब हम लोग चले थे तो बगीचा में भी कुछ होटल मिला था, वैसे तसल्ली लायक होटल नहीं था, तो ड्राइवर लोग से और पूछे थे तो बताया कि अंबिकापुर के आसपास जाइए, बहुत सा ढाबा है और बहुत अच्छा ढाबा वहाँ पे, तो हमको बहुत अच्छा ढाबा मिला, कलकत्ता ढाबा करके नाम है इसका, और गाड़ी भी बहुत अच्छा जगह लग गया है, रोड साइड में पार्किंग है और गार्ड भी यहाँ पर है, तो जहाँ गार्ड वगैरह रहता है वो निश्चित सोते हैं तो माइंड फ्री रहता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खा लिए, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, और यहाँ 4 बजे उठेंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है अंबिकापुर, तो अपना जाकर वहाँ पे खाली करना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा खाली करने का। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।